अहमद रहीम, आज जो तीन केसेस थे उस हवाले से कुछ प्रोसीडिंग्स हुई हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मुंसिफ कंप्रोमाइज हो जाएं तो वो सारा सारा दिन जेल में आके ट्रायल करते हैं और डे टू डे हेयरिंग कर रहे हैं। इनके दरमियान मुकाबला लगा हुआ है कि किस कौन पहले सजा देता है 8 फरवरी से पहले पहले। मसला इनको तकलीफ क्या है कि आज पूरे पाकिस्तान में कौम बाशऊर हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान की 90% आबादी, कौम, पब्लिक इमरान खान और उसके वीएन के साथ खड़ी है। वो शऊर जो पाकिस्तानियों को इमरान खान ने दिया है, ये 76 साल की तारीख में पहली मरतबा हमने देखा है। आज जो जुल्म, बर्बरियत और जो तशद्दुद और जो उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। नाइंसाफ़ी ना सिर्फ हो रही है बल्कि होती हुई नज़र आ रही है। और इन हालात में हम इलेक्शन में हैं, जबकि बल्ले का निशान हमसे छीन लिया गया, इसके बावजूद पब्लिक, लोग, कौम हमारे साथ खड़ी हुई है। और जो निशान हमें मिला है, मसलन मुझे फाख्ता का निशान मिला, नईम साहब को प्याले का निशान मिला, लेकिन आज उस निशान को लेकर कौम इमरान खान के वीएन के साथ खड़ी है। आज जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या इदारे हों या मुंसिफ हूँ जो इस वक्त जेल में बैठ के ट्रायल कर रहे हैं, ये सब नाइंसाफी के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार ला रहे हैं। ये पाबंद है आईन और कानून के, लेकिन आईन और कानून की पामाली हम सब की आंखों के सामने होती हुई नजर आ रही है। ये वो जुल्म है जिसको पाकिस्तान की कौम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखें, जुल्म के साथ कभी मुआशरा नहीं रह सकता कायम, कुफ्र के साथ रह सकता है। आज जो जुल्म हो रहा है, हर जगह जगह नाइंसाफी है, हर जगह पे हर तरह से की नाइंसाफी है। हाँ, वो इलेक्शन का मामला हो, हाँ लोगों के साथ रवैयों का मामला हो, हाँ पंजाब पुलिस के रवैये हों या पाकिस्तान की पुलिस के रवैये हों, आज जुर्म सिर्फ एक है, वो है कि पीटीआई का वर्कर होना, पीटीआई का हिमायत याफ्ता होना, वो सबसे बड़ा जुर्म है। अगर आप पीटीआई के नहीं हैं तो जितने बड़े करप्ट हैं तो आपको हर लिहाज से पाक साफ किया जाएगा। इमरान खान ने एक साल पहले कह दिया था कि ये लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है कि इमरान खान को जेलों में डाला जाएगा, उसको नाहल किया जाएगा और उसके साथ साथ पार्टी को डिसमेंटल किया जाएगा और उसके साथ उस लाडले को शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और उनके सारे मुकदमात ख़त्म किए जाएंगे और फिर इलेक्शन होगा। लेकिन उसने चौथी बात भी की थी, जब वो इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे, पीटीआई ही जीतेगी। हम बजा तौर पर ये समझते हैं कि ये जो कुछ आज हो रहा है ये सब गलत है, इसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे मुल्क की इकाइयों को होगा, हमारे मुल्क की मईशत को होगा, हमारे 25 करोड़ आवाम को होगा। हमारा डॉलर इनफ्लो नहीं हो सकता, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती जब तक सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म ना हो, जब तक एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना आ जाए। और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएँ। और इलेक्शन कमीशन जानबदारी और सहूलतकारी कर रहा है, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, और वो न सिर्फ ये कि सहूलतकारी कर रहा है बल्कि वो वॉकओवर देना चाहता है वो पीएमएलएन को और ऐसी जमातों को, और वो पीटीआई के हकूक जो कि लोगों के हकूक हैं या पीटीआई के हकूक हैं या पार्टी के हकूक हैं, उसकी हक तलफी हुई है। और जो परसों का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का जिससे और इलेक्शन कमीशन का, जिसके ज़रिए बल्ले का निशान छीन लिया गया, ये इसके ज़रिए करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं उनके जो हकूक हैं मुतासर हुए हैं। और बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आर्टिकल 17 को इंटरप्रेट किए बगैर उसको नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे कर दिया। ना सिर्फ इससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, इससे आईन को नुकसान पहुंचा, इससे कानून को नुकसान पहुंचा, इससे मुल्क की मईशत को और मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुँचा। थैंक यू। और नईम साहब, अब नईम साहब बात करेंगे आपसे। अहमद रहीम, आज जो तीन केसेस थे उस हवाले से कुछ प्रोसीडिंग्स हुई हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मुंसिफ कंप्रोमाइज़ हो जाएं तो वो सारा सारा दिन जेल में आके ट्रायल करते हैं और डे टू डे हेयरिंग कर रहे हैं। इनके दरमियान मुकाबला लगा हुआ है कि किस कौन पहले सजा देता है 8 फरवरी से पहले पहले। मसला इनको तकलीफ़ क्या है कि आज पूरे पाकिस्तान में कौम बाशऊर हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान की 90% आबादी, कौम, पब्लिक इमरान खान और उसके वीएन के साथ खड़ी है।
वो शऊर जो पाकिस्तानियों को इमरान खान ने दिया है, ये 76 साल की तारीख में पहली मरतबा हमने देखा है। आज जो जुल्म, बर्बरियत और जो तशद्दुद और जो उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। नाइंसाफ़ी ना सिर्फ हो रही है बल्कि होती हुई नज़र आ रही है। और इन हालात में हम इलेक्शन में हैं, जबकि बल्ले का निशान हमसे छीन लिया गया, इसके बावजूद पब्लिक, लोग, कौम हमारे साथ खड़ी हुई है। और जो निशान हमें मिला है, मसलन मुझे फाख्ता का निशान मिला, नईम साहब को प्याले का निशान मिला, लेकिन आज उस निशान को लेकर कौम इमरान खान के विजन के साथ खड़ी है। आज जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या इदारे हों या मुनसिफ हों, जो इस वक्त जेल में बैठ के ट्रायल कर रहे हैं, ये सब नाइंसाफी के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार ला रहे हैं। ये पाबंद हैं आइन और कानून के, लेकिन आइन और कानून की पामाली हम सब की आंखों के सामने होती हुई नजर आ रही है। ये वो जुल्म है जिसको पाकिस्तान की कौम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखें, जुल्म के साथ कभी मुआशरा नहीं रह सकता कायम, कुफर के साथ रह सकता है। आज जो जुल्म हो रहा है, हर जगह जगह नाइंसाफी है, हर जगह पे हर तरह से की नाइंसाफी है। हाँ, वो इलेक्शन का मामला हो, हाँ लोगों के साथ रवैयों का मामला हो, हाँ पंजाब पुलिस के रवैये हों या पाकिस्तान की पुलिस के रवैये हों, आज जुर्म सिर्फ एक है, वो है कि पीटीआई का वर्कर होना, पीटीआई का हिमायत याफ्ता होना, वो सबसे बड़ा जुर्म है। अगर आप पीटीआई के नहीं हैं तो जितने बड़े करप्ट हैं, तो आपको हर लिहाज से पाक साफ किया जाएगा। इमरान खान ने एक साल पहले कह दिया था कि ये लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है कि इमरान खान को जेलों में डाला जाएगा, उसको नाहल किया जाएगा और उसके साथ साथ पार्टी को डिसमेंटल किया जाएगा और उसके साथ उस लाडले को, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और उनके सारे मुकदमात ख़त्म किए जाएंगे और फिर इलेक्शन होगा। लेकिन उसने चौथी बात भी की थी, जब वो इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे, पीटीआई ही जीतेगी। हम बजा तौर पर ये समझते हैं कि ये जो कुछ आज हो रहा है, ये सब गलत है। इसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे मुल्क की इकाइयों को होगा, हमारे मुल्क की मईशत को होगा, हमारे 25 करोड़ आवाम को होगा। हमारा डॉलर इनफ्लो नहीं हो सकता, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती जब तक सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म ना हो, जब तक एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना आ जाए। और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं। और इलेक्शन कमीशन जानबदारी और सहूलतकारी कर रहा है, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, और वो न सिर्फ ये कि सहूलतकारी कर रहा है बल्कि वो वॉकओवर देना चाहता है वो PMLN को और ऐसी जमातों को, और वो PTI के हुकूक, जो कि लोगों के हुकूक हैं या PTI के हुकूक हैं या पार्टी के हुकूक हैं।